नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 2020 के एक और नए वीडियो में। इस वक्त हम आ रहे हैं राजपुर रोड पर, हम आ रहे हैं जोड़ी गांव के पास में। जोड़ी गांव में मैं आपको आज एक साथ तीन डुप्लेक्स दिखाने जा रहा हूं, जिसमें एक रहने वाला है डबल साइड रोड का, बाकी के दो रहने वाले हैं सिंगल साइड रोड के। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरे पीछे वाला डुप्लेक्स है ये डबल साइड रोड का है ऑलरेडी, और इस साइड में एक रोड जा रही है। तो आगे रोड क्लोज है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं जाएंगी आगे। ये एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, ये रहने वाले हैं तीनों डुप्लेक्स। तो चलिए अंदर से इसको देखते हैं और आपको डिटेल्स में, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी डिटेल में मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम डुप्लेक्स के अंदर में एंट्री करते हैं, मैं आपको डबल साइड रोड वाला दिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको रेट पहले बता देता हूँ, यहाँ पे जो इनका लैंड एरिया हो रहा है ये 122 गज हो रहा है। 122 गज में जो आपका डबल साइड रोड वाला है इसकी कीमत रखी गई है 1,10,00,000 रुपए, बाकी दोनों की कीमत 95 लाख के करीब रखी गई है, जो कि नेगोशिएबल है, ऑन टेबल। लाइक आप कितने टाइम में लेते हैं, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस टाइम पे कोई परचेस करता है तो उसकी एक रेट की नेगोशिएशन पावर ज़्यादा होती है। बाद में जब कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर कुछ और होती है। यहाँ आ गए हम लोग पोर्च के अंदर में। ये पूरा एरिया पार्किंग का है, यहाँ पे आपके आराम से सेडान से एसयूवी तक की हर प्रकार की गाड़ी पार्क हो सकती है। ये एरिया सेपरेट हो गया जहाँ से आप सीढ़ी लगा के ऊपर के लिए जाते हैं। यहाँ पे दो आपको एंट्री दिख रही होगी, एक्चुअली में ये जो है ये किचन की एंट्री रखी गई है। यहाँ से ये किचन का एरिया रहेगा, ओपन किचन है तो आप बाहर से भी एंट्री कर सकते हैं। लाइक आपके घर में सर्वेंट आते, कोई आते तो यहीं से एंट्री करके अपना काम धाम करके और जा सकते हैं। एरिया हो जाएगा, मैंने अभी आपको बाहर से दिखाया, अब आप अंदर से देखते हैं ये किचन का एरिया कितना बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आपको अंदाजा एक लग जाएगा कि किचन का एरिया कितना बड़ा रहने वाला है। एक सेपरेट एंट्री मिल जाएगी, एक पैसेज मिल जाएगा जिससे सर्वेंट घर के अंदर आके बाहर जा सकता है किचन से भी, और हॉल में तो खैर आपको एंट्री मिल ही रही है। यहाँ पर हमने एक रूम दे रखा है इसमें, ये देखिए, ये आ गए हम एक रूम में। काफी अच्छा साइज रहने वाला है इस रूम का, काफी बड़ा साइज रहने वाला है, जिसमें आपको एक अटैच वॉशरूम मिलेगा, वेंटिलेशन के लिए डक्ट मिलेगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5x5 का एक विंडो मिलता है तीन बोर्ड के साथ हमें। और विंडो के उस साइड में आप देखेंगे तो जिनका घर है उन्होंने पूरा ओपन एरिया छोड़ा है पार्क के लिए, आपको दिखाई दे रहा होगा पार्क के लिए पूरा ओपन एरिया छोड़ा है। तो फ्रेश एयर, क्योंकि ये वाली दिशा जो है इस साइड में साउथ है, हम लोगों ने एंट्री की थी नॉर्थ से, तो साउथ फेसिंग से इवनिंग पे, साउथ वेस्ट फेसिंग बैठेगा, इवनिंग का जो टाइम होता है तो धूप आपकी सीधा घर के अंदर आएगी। इस टाइम पे काम चल रहा है, वैसे भी प्लास्टर हो रखा है, किसी प्रकार का कोई पेंट नहीं हो रखा है। इतनी ज़्यादा डल लाइट होने के बाद में भी पूरे कमरे में रोशनी दिख रही है, तो आपका वेंटिलेशन सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सीधा फर्स्ट फ्लोर पे, ये देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था ये डबल साइड रोड वाला प्लॉट है, तो डबल साइड रोड वाले में फ्रंट का पार्ट भी ओपन हो गया, इस साइड का पार्ट भी ओपन हो गया, और तो और यहाँ पर छत भी ओपन मिल रही है आपको। तो इधर पे ग्लास लगेगा रेन प्रूफ के लिए, टेम्पर्ड ग्लास, यहाँ पे रेलिंग लगेगी साइड में, यहाँ पर ये बालकनी दी हुई है, बालकनी की एंट्री जो है सीधा रूम में भी होती है, यहाँ से बालकनी सीधा रूम में भी चली जाती है। अब आप इस साइड में देखें जो ये पूरा एरिया है, कैसे ओपन एरिया है, पूरा ग्रीनरी है, पार्क बना हुआ है, लोगों ने घर बना रखे हैं, तो इतनी अच्छी हवा आ रही है यहाँ पे। अब वेंटिलेशन का और ज़्यादा ध्यान रखा है। अब यहाँ से हम रूम की तरफ आ गए तो एक विंडो आपको दिख गई, और मैंने ये बताया था आपको ये बालकनी वाला पार्क, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को इस तरीके से बनाया गया है कि आप इस एरिया को एज अ किचन भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस वाले एरिया को एज अ किचन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने की सीढ़ी बाहर से दे रखी है, किसी को रेंट पर्पज़ से चाहिए मकान, तो वो लोग क्या करते हैं कि बाहर से बाहर ही अपना रेंटल जो भी टेनेंट रहते हैं वो बाहर से बाहर ही आ गए, और अपना ये आ गया किचन, ये आ गया एक रूम, हम खड़े हैं हॉल में, और इधर आ गया एक और रूम, ये देखिए हम लोग आ गए फिर से एक और बड़े रूम में। जैसे नीचे था सेम साइज है, सेम कॉलम स्ट्रक्चर के ऊपर पे खड़ा किया हुआ है। यहाँ पे आप विंडो देख सकते हैं, सेम साइज विंडो का है, फॉल सीलिंग का काम यहाँ पे हो चुका है, आप सीधा पेंट होना बाकी है, और बिजली के जो स्विचेस वगैरह लगने बाकी हैं वो है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें भी एक अटैच वॉशरूम बना रहे हैं, ये पूरा एरिया वॉशरूम का रहने वाला है। और ये देखिए ये वाला जो एरिया रहने वाला है ये है डक,
ये रहने वाली है पूरी डक, तो यहां पर भी वेंटिलेशन का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला फ्यूचर में जाकर भी कभी। चलिए अब मैं आपको एक बार छत की तरफ लेके चलता हूं और आपको पड़ोसियों से मिलाता हूं। ये आ गया छत हमारा, छत की जो वाइडनेस है, चौड़ाई है, ये लगभग हमारे पास में 20 फीट की है। फ्रंट का जो रेलिंग लगनी बाकी है अभी, यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे रेलिंग लगेगी। और ये वाला वो पार्ट है जो हमने नीचे से देखा था, ओपन है, यहाँ पे ग्लास लग जाएगा जिससे सनलाइट डायरेक्ट हॉल में जाएगी, बैठने में अच्छा लगता है। इस साइड में ओपन एरिया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको पोर्च को हल्का सा बाहर निकाला है जिसके ऊपर से लाइट लगेगी और वो शेड लगेगी और लाइटें लगेगी, तो ये एरिया भी आपका काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। ये आ गया इसका फ्रंट के आगे का रोड, जो एंट्री हो रही थी हमारी, आप देख सकते हैं यहाँ पे घर बने हुए हैं दोनों साइड में। पर ऐसा है कि घर बने हुए हमारा व्यू ढक जाए ऐसी बात नहीं है, आइए मैं आपको व्यू के नज़ारे के दर्शन के दर्शन कराता हूँ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं साइड में, यह है मसूरी, ईस्ट रहने वाला है ये हमारा, ये मसूरी के पहाड़ है पूरे। और ये पीछे आ जाएगा हमारा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में आप पूरा ग्रीन व्यू देखेंगे, पूरा हर तरफ से हरियाली है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं है आसपास में जिससे आपका जो क्या बोलते हैं व्यू हो वो ढक जाए। तो ये तीन डुप्लेक्स रहने वाले हैं, एक पे मैं खड़ा हूँ, दो इसके बगल में है, एक्चुअली में चार थे ये, तो एक सेल हो गया है, अभी तीन बचे हुए हैं, 95 और 110, ये इनकी डिमांड है। जो इसका कंस्ट्रक्शन एरिया है वो 2500 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। लोकेशन पड़ती है ये राजपुर रोड में, जाखंड के पास में आप आते हैं जोड़ी गांव, एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। मेन राजपुर रोड से हम लोग 15 मिनट की ड्राइव पे होंगे, हार्डली 15 मिनट की ड्राइव है और आने जाने का रास्ता ठीक है, फोर व्हीलर आ जा सकता है। विजिट करने के लिए आइए, जैसे आप विजिट करने के लिए आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कॉल करना है, साइट विजिट रखवानी है, ऑनर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप साइट को विजिट करें और वीडियो को इसी तरीके से देखते रहें। आप यदि अपने किसी प्रोजेक्ट की वीडियो हमारे चैनल के द्वारा शेयर करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।